नमस्कार, संकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लास्ट दो दिनों से राष्ट्र पुरस्कार की वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक वीडियो मेरा पार्ट पांच था और एक पार्ट छह था जो राष्ट्र पुरस्कार से संबंधित था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आज वीडियो है जो राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का अंतिम पार्ट होगा। आज ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके सिर्फ नोबेल पुरस्कार बाकी रहेंगे और नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। भारत में किसको मिला, अभी वर्तमान में किसको मिला, ये कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो अलग से होगी। तो मैं नोबेल पुरस्कार एक अलग से टॉपिक पूरा लेके आऊंगा। आज ये वीडियो खत्म होने तक नोबेल पुरस्कार के अलावा जो भी पुरस्कार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो अब तक क्लियर हो जाएंगे। आज तक एग्जाम देने से पहले दो या तीन दिन पहले ये तीन वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लेना, आपका राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं अटकेगा। जो भी कांस्टेबल के, पटवार के या कोई भी एक्स वाई जेड एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये इन तीन वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। आज चलते हैं, आज क्लास शुरू करता हूँ मैं। उसमें सबसे पहले मैं पुरस्कार लेता हूँ, वो है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। ध्यान रखना, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार वर्तमान में 2019 में प्रवीण राव को दिया गया। किसे दिया गया? 2019 में दिया गया प्रवीण राव को, प्रवीण राव, प्रवीण राव को 2019 में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं, सिर्फ अगर मैं बात करूं हरित क्रांति का जनक, तो बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक तो आ जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर? अगर मैं बात करूं भारत में हरित क्रांति का जनक तो आ जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगर मैं बात करूं विश्व में हरित क्रांति का जनक तो आ जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया तो आ जाएगा 2019 में प्रवीण राव को दिया गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है मिस वर्ल्ड 2019। मिस वर्ल्ड 2019, कल मैंने आपको बताया था मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स 2019 किसे मिला था? जोजी बिनी टुंजी को, जो साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी। इसके साथ मैंने यह भी बताया था कि भारत में सिर्फ दो महिलाओं को मिस यूनिवर्स का पुरस्कार दिया गया है। एक तो है सुष्मिता सेन, जिसे 1994 में दिया गया, और दूसरी है लारा दत्ता, जिसे 2000 में दिया गया। अगर मैं बात करता हूँ मिस वर्ल्ड 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका आंसर आएगा टोनी एन सिंह। किसको दिया गया? टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह को 2019 का मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया।
और यह कौन से देश से संबंधित है, तो आ जाएगा यह जमैका से संबंधित है। जमैका किससे संबंधित है? जमैका। जमैका देश से संबंधित टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 दिया गया। जमैका की राजधानी पूछे तो जमैका की राजधानी आ जाएगी किंगस्टन। जमैका की राजधानी कौन सी है? किंगस्टन। किंगस्टन, किंगस्टन जमैका की राजधानी है। क्लियर, लिख लीजिए आप एक बार से। भारत में आज तक इसको दिया गया है, भारत में मिस वर्ल्ड भारत में, भारत में अब तक किन किन महिलाओं को मिस वर्ल्ड दिया जा चुका है? पहला नाम आ जाएगा रीता फारिया। क्या नाम है? रीता फारिया, रीता फारिया। दूसरा नाम ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। पहला नाम रीता फारिया, दूसरा नाम ऐश्वर्या राय, और तीसरा नाम आ जाएगा इसमें डायना हेडन। डायना हेडन। चौथा युक्ता मुखी। युक्ता मुखी, रीता पारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी। पांचवा नाम प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। और छठा दिया गया वर्तमान में मानुषी छिंदर को। मानुषी छिंदर। इन छह लोगों को मिस वर्ल्ड भारत में अब तक दिया जा चुका है। नाम ध्यान रखना, सबसे पहले किसको दिया गया, तो सबसे पहले नाम आ जाएगा रीता फारिया। सबसे पहले किसको दिया गया? रीता फारिया। और रिसेंटली 2017 में दिया गया मानुषी छिंदर को। 2017 में दिया गया मानुषी छिंदर को। ऐश्वर्या राय दूसरे नंबर पर, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा एंड देन मानुषी छिंदर। क्लियर, इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पुरस्कार है नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार। नेशनल ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार। ध्यान रखना, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद वो डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के नेतृत्व में उन्होंने भीम यूपीआई ऐप भी लॉन्च किया है और तरह तरह से वो डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के केंद्र में, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुरस्कार लॉन्च किया था, उसका नाम था नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार। मतलब किसी भी सरकारी ऐप को जो उस साल में बेहतरीन काम किया है उसे नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जाता है। साल 2019 में नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार रेल की एक ऐप को मिला। किसकी ऐप को? रेलगाड़ी की ऐप को। उसका नाम है रेल मदद। रेल मदद, रेल मदद को वर्ष 2019 का नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया। बात करता हूं रेल मंत्री कौन है अभी? रेल मंत्री है पीयूष गोयल। रेल मंत्री है पीयूष गोयल। रेल मंत्री पीयूष गोयल। क्लियर, अगर बात करूं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके यादव, विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है
वी के यादव, विनोद कुमार यादव। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला? रेल मंत्री को मिला। मंत्री कौन है? रेल मंत्री पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। नोट डाउन कर लीजिए आप। अगले प्रश्न आगे तब चलते हैं। अगला पुरस्कार है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। पुरस्कार का नाम क्या है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। Laureus World Sportsman of the Year, clear? Laureus World Sportsman of the Year, यह बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। Laureus World Sportsman of the Year बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह दो व्यक्तियों को दिया गया। एक को दिया गया लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, और दूसरा पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी। अब एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं? ऐसा पूछ लेगा लुइस हैमिल्टन कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको लिखना है फॉर्मूला एफ वन ड्राइवर है। फॉर्मूला वन ड्राइवर कार रेसिंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के लिए कार रेसिंग करता है और मैच जीतते हैं। दूसरा लियोनेल मेसी फुटबॉलर है। कौन है? फुटबॉलर। लियोनेल मेसी फुटबॉलर है। और यह लियोनेल मेसी कौन से देश से संबंधित है, ये काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना अर्जेंटीना से संबंधित है। अर्जेंटीना से संबंधित है लियोनेल मेसी। आपको अर्जेंटीना की राजधानी बतानी है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्लियर? ये पुरस्कार क्लियर है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? लुइस हैमिल्टन को दिया गया। दूसरा लियोनेल मेसी को दिया गया। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला वन ड्राइवर है, मर्सिडीज कार के ड्राइव करते हैं। दूसरा लियोनेल मेसी फुटबॉलर है, अर्जेंटीना देश के फुटबॉलर है। क्लियर? चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है पॉली उमेगल अवार्ड। पुरस्कार का नाम क्या है? पॉली उमेगल अवार्ड। पॉली उमेगल एक क्रिकेटर हुआ करते थे, उनकी याद में यह पुरस्कार पॉली उमेगल अवार्ड दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो अलग क्रिकेट के लिए दिया जाता है। क्रिकेट के लिए दिया जाता है पॉली उमेगल अवार्ड। अभी वर्तमान में किसको दिया गया? तो दिया गया जसप्रीत बुमराह। क्या नाम है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमेगल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस 2020 मनाया गया। गणतंत्र दिवस 2020 बनाया गया, जिसमें क्या होता है कि हर एक राज्य अपनी अपनी जाति का प्रदर्शन करता है। गणतंत्र दिवस 2020 के दिन अपन अगर टीवी में देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि हर राज्य अपनी देश अपने राज्य की संस्कृति का, अपने राज्य की धरोहर का प्रदर्शन करता है। तो उस झांकी में से
हर साल एक झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है। इस साल जो गणतंत्र दिवस 2020 हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड, कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? वह मिला असम, वह मिला है असम राज्य की झांकी को। किसको मिला है? असम राज्य की झांकी को। दूसरा, मैं बात करता हूं गणतंत्र दिवस के समारोह के दिन मुख्य अतिथि कौन थे, यह भी ध्यान रखना, मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि, और यह भी ध्यान रखना मुख्य अतिथि के लिए सबसे पहले निमंत्रण डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने यह निमंत्रण अस्वीकार किया, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। कौन थे मुख्य अतिथि? जेयर बोल्सोनारो, जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो और यह ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। चीज को इंटरलिंक करके याद करो, इंटरलिंक करके याद करो, मतलब जैसे जेयर बोल्सोनारो, जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील ब्रिक्स कंट्री का मेंबर है, ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, इसके अलावा ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, इस तरह से आप इंटरलिंक करके याद करोगे तो आपको चीजें अच्छे से याद होगी। अब जैसे असम है, असम सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला असम को। इसके अलावा असम में और कौन सी चीजें, जैसे असम की राजधानी दिसपुर है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से असम जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम माजुली है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम से बांग्लादेश में जाती है जहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है, और फिर गंगा के साथ मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप अगर चीजों को इंटरलिंक करके याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, यहाँ पर क्लियर होगा। गणतंत्र दिवस 2020 क्लियर है आपको, सर्वश्रेष्ठ झांकी आसाम की, मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पुरस्कार है टाइलर पुरस्कार, पुरस्कार का नाम क्या है? टाइलर, टाइलर पुरस्कार। ध्यान रखना इस टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण विज्ञान का नोबेल बोलते हैं, पर्यावरण का नोबेल। ये टाइलर पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण का नोबेल, पर्यावरण का नोबेल, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है टाइलर पुरस्कार, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है। क्लियर। अब टाइलर पुरस्कार 2019 में एक भारतीय को दिया गया, उसका नाम था पवन सुखदेव, पवन सुखदेव, पवन सुखदेव। अब इसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता है और उसमें पर्यावरण शामिल नहीं है, इसी कारण टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। 2019 में पवन सुखदेव को दिया गया। अब जैसे अब आपको याद कैसे करना है, अब जैसे आपके सामने शब्द आया पर्यावरण, अब पर्यावरण से संबंधित चीजें याद करो। मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई है? मैंने आपको बताई थी पेरिस समझौता, पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, बस साइन कब हुआ था, जो साइन हुआ था 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल कब, विश्व पृथ्वी दिवस के दिन। इस तरह से चीजों को इंटरलिंक करके याद करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर। चलता हूं मैं इसके अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर, ये शायद मैंने पुरस्कार करवा दिया है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रख लो
ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। किसको दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। क्लियर। अगला पुरस्कार है बैलन डी ओर अवार्ड, बैलन डी ओर अवार्ड, बैलन डी ओर अवार्ड। ध्यान रखना ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, बैलन डी ओर अवार्ड ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसको दिया गया? नाम ध्यान रखना, लियोनेल मेसी को दिया गया, लियोनेल मेसी को दिया गया। बस आपको नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन इतना ही पूछेगा बैलन डी ओर अवार्ड किसको दिया गया, तो लियोनेल मेसी को दिया गया। क्लियर। अगला मैं पुरस्कार बात करता हूँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दी जाने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। इन्हें भारत का राष्ट्रपति दे देता है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देता है। क्लियर बात। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई? 1954 में इनकी शुरुआत हुई, 1954 शुरुआत हुई इनकी। देता कौन है? तो राष्ट्रपति देता है पैसा, राष्ट्रपति देता है। क्लियर बात। अब मैं बात करता हूं 2019 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे किसे दिए हुए। सबसे पहले 2019 सबसे पहला आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, किसमें? अभिनेता, अभिनेता किसका? अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया। सबसे पहला दिया गया आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना, क्या नाम है? आयुष्मान खुराना। और दूसरा नाम है विक्की कौशल, विक्की कौशल। आयुष्मान खुराना को दिया गया अंधाधुन मूवी के लिए, मूवी का नाम क्या था? अंधाधुन, अंधाधुन। और विक्की कौशल को दिया गया फॉर द मूवी, मूवी उरी, उरी के लिए दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मूवी अंधाधुन, दूसरा विक्की कौशल मूवी उरी। क्लियर। चलता हूं मैं इसके अगले पुरस्कार की तरफ, वो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया वह दी गई अंधाधुन को। कौन सी मूवी थी? अंधाधुन, अंधाधुन। ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतती है वही भारत की ऑस्कर में एंट्री होती है। क्लियर बात। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतती है वही मूवी भारत की ऑस्कर में एंट्री होती है। क्लियर। इस साल फिल्म अंधाधुन ऑस्कर के लिए एंट्री थी लेकिन वो पहले चरण में बाहर हो गई। यहां तक भी आपको क्लियर। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री किसको दी गई? अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? वह दिया गया कीर्ति सुरेश को। नाम क्या है? कीर्ति सुरेश, कीर्ति सुरेश, कीर्ति सुरेश को दिया गया। कौन सी मूवी के लिए दिया गया? तो मूवी का नाम है महांती, मूवी का नाम है महांती। क्लियर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये आपको तीन कैटेगरी ही पूछेगा। मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसकी शुरुआत 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना फॉर अंधाधुन, विक्की कौशल फॉर उरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश महांती, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंधाधुन। नो डाउन कर लीजिए आप। अगला पुरस्कार है राजा राम मोहन राय पुरस्कार, राजा राम मोहन राय पुरस्कार।
पुरस्कार का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार। किसके लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता। ध्यान रखना, किसके लिए? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में किसको दिया गया? 2019 में दिया गया भाई साहब गुलाब कोठारी को। इसको गुलाब कोठारी को दिया गया, गुलाब कोठारी, गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया। गुलाब कोठारी का नाम जानते होंगे, कौन है गुलाब कोठारी? गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया। चलते इसके अगले पुरस्कार की तरफ, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। पुरस्कार का नाम एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। क्लियर। 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसको दिया गया? यह दिया गया इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन को दिया गया। इसरो का चेयरमैन कौन है? के सिवान। नाम ध्यान रखना भाई साहब, के सिवान। अभी बहुत न्यूज में रहा ये नाम के सिवान, के सिवान। चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तब ये नाम बहुत न्यूज में रहा, के सिवान, के सिवान, के सिवान। इसरो के चेयरमैन को एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसरो की थोड़ी बहुत, इसरो की मैं बात कर लेता हूँ। इसरो, इसरो की स्थापना हुई थी 1969, इसरो की स्थापना हुई 1969। इसरो, इसरो का जो चेयरमैन वो बताई दिया, इसरो का चेयरमैन कौन है? वह है के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर वह है बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। इसी कारण बेंगलुरु को अपन स्पेस सिटी भी बोलते हैं, बेंगलुरु को अपन स्पेस सिटी भी बोलते हैं। इसरो, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? ये काफी बार पूछा जाता है, वाणिज्यिक शाखा, इसरो की वाणिज्यिक शाखा एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम है अंतरिक्ष। क्या नाम है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम है अंतरिक्ष। और एक और अभी नई शाखा बनी है, एक तो नाम था अंतरिक्ष और एक शाखा और इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में बनी है, उसका नाम है न्यू स्पेस लिमिटेड। क्या नाम है? न्यू स्पेस लिमिटेड, न्यू स्पेस, न्यू स्पेस लिमिटेड। क्लियर। इसरो स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम अंतरिक्ष और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बात है, इसरो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब मैं चलता हूं अगले पुरस्कार की तरफ, अगला पुरस्कार है स्वच्छ भारत का अंबेसडर। स्वच्छ भारत अंबेसडर, स्वच्छ भारत अंबेसडर। स्वच्छ भारत अंबेसडर, स्वच्छ भारत अंबेसडर स्वच्छ भारत मिशन के लिए बनाया गया था। और अभी स्वच्छ भारत अंबेसडर किसे बनाया गया है? वह है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर स्वच्छ भारत अंबेसडर। क्लियर। अगला पुरस्कार है नाइन डॉट्स पुरस्कार, नाइन डॉट्स,
नाइन डॉट्स पुरस्कार, नाइन डॉट्स पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए, साहित्य के लिए दिया जाता है। नाइन डॉट्स पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है और नाइन डॉट्स पुरस्कार इस बार इसको मिला, एक भारतीय को मिला है, उसका नाम है एनी जेदी। नाम क्या है? एनी जेदी। महाराष्ट्र की रहने वाली है, मुंबई की, महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली है। क्लियर? नाइन डॉट्स पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? एनी जेदी को दिया गया। अगला पुरस्कार है, वह है मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार ध्यान रखना, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो आ जाएगा एक समूह है, मैन ग्रुप, मैन ग्रुप, मैन ग्रुप के द्वारा मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया जाता है। और यह कहां पे है? यह है यूके में, यह है यूके में। 2019 का किसको दिया गया? 2019 का दिया गया जोखा अलहार्थी को, जोखा अलहार्थी, जोखा अलहार्थी, जोखा अलहार्थी को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। इनकी कौन सी किताब के लिए दिया गया? तो जोखा अलहार्थी की पुस्तक है, उसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। ध्यान रखना नाम, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया। क्या है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार? किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक समूह है, मैन ग्रुप, मैन ग्रुप जो यूके बेस्ड समूह है, उसके द्वारा मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया 2019 का? वह दिया गया जोखा अलहार्थी को। किसको? जोखा अलहार्थी। किस पुस्तक के लिए दिया गया? वह है सेलेस्टियल बॉडीज। क्लियर? जो प्रमुख प्रमुख पुरस्कार थे वो मैंने आपको आज सब कुछ करवा दिए। इसके अलावा भी अगर कोई पुरस्कार बाकी होगा, दो या तीन कोई पुरस्कार बाकी होंगे वो मैं फिर देख लूंगा, अगर कोई पुरस्कार बाकी हुआ तो आने वाली क्लास में करवा दूंगा। अब एक मेन महत्वपूर्ण पुरस्कार बाकी रहता है, वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की क्लास मैं आपकी अलग से लेके आऊंगा। इसके अलावा जो ये तीन क्लासे हैं, जो पार्ट 5, 6 और 7, ये तीन पार्ट है, वो तीनों पार्ट राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। आने वाले एक साल में जितने भी एग्जाम होंगे, जिसमें करंट अफेयर का सिलेबस आएगा, उसमें ये तीन पार्ट आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। एग्जाम से पहले एक बार फिर देख लेना इन तीन पार्ट को, आपको पुरस्कार से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें जरूर फंसेगा। क्लियर? कल मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आऊं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर? थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।